नमस्कार चेयर में आपका बहुत स्वागत है। हम लोग हैं कनॉट प्लेस में, शेख स्क्वायर इस जगह का नाम है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि उसके बाद हम चिड़िया भी उड़ाएंगे और बताएंगे आपको कि आज़ादी के 70 साल बाद क्या वाकई चिड़िया आज़ादी से उड़ रही है या नहीं, ज़रा लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस वक्त शेख स्क्वायर में मौजूद हूँ। 1925 में यहाँ पर एक छोटा सा दुकान हुआ करती थी जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स बिका करते थे, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे इस दुकान को बहुत सारे लोगों ने एक्वायर किया और अलग अलग हाथों में जाते जाते ये इलाका, ये जगह खासतौर पर शेख्स के लिए फेमस हो गई। 1970 से शेख स्क्वायर काफ़ी फेमस है जो कि यहाँ पर चल रही है और जो कोई भी यहाँ पर आता है, बगल में वेंगस है जिसका, जहाँ चिड़िया पहले भी जा चुकी है लेकिन शेख स्क्वायर हमने आपको नहीं दिखाता इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं शेख्स के लिए, काफ़ी फेमस है, पैटीज भी आप खा सकते हैं वैसे यहाँ पर आए। कुछ लोग मेरे साथ हैं कनॉट प्लेस घूमने आए हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं या फिर सब स्टूडेंट्स हैं, और पता है स्टूडेंट से बात करके ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा सवाल ये है कि क्या 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, क्या चिड़िया आज़ाद हुई या नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि देश आज़ाद है? मतलब कुछ हद तक है, बट ये है कि जहाँ आज़ादी चाहिए वहाँ मिल नहीं रही। कहाँ कहाँ? अब आप देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, हमारा एजुकेशन सिस्टम में देख लो कास्ट पॉलिटिक्स होती है हमारी, उसमें रिजर्वेशन सिस्टम आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो, अच्छा रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं 70 साल बाद, आज़ादी के 70 साल बाद होना चाहिए, बट जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं उन्हें मिलनी चाहिए, जो डिजर्व करते हैं। और वो डिजर्विंग लाइन कौन सी होती है? दैट्स बेसिकली हमारे ख्याल से इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, आप बताइए मेरा भी देश आज़ाद है कि नहीं है? नहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। किस चीज़ ने गुलाम बना रखा देश? देखिए अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंट न्यूज़ में आया था कि कल एक ब्यूरोक्रेट ने सुसाइड कर लिया, तो वो सिस्टम से इतना परेशान है, कुछ इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, पॉलिटिशियंस का प्रेशर है। के डीएम थे जिन्होंने गाजियाबाद में सुसाइड किया। हाँ, तो फिर अब और अभी देखिए सबको रिजर्व होना है, मराठास का मुंबई में आ रहा है कि हमें रिजर्वेशन दो, हमें रिजर्वेशन दो। बेसिकली रिजर्वेशन है जिसने देश को आज भी गुलाम बना के रखा है। रिजर्वेशन सही, मतलब सब लड़ रहे कि हमें बनना है, तो वो गलत है। आरक्षण नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। आप बताइए देश आजाद है कि नहीं? आजाद है, डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस, बट अब इट इज इन द बिल्डिंग, मतलब होगा, समय लगता है, पेशेंस रखनी चाहिए, मुझे ये लगता है। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात, आपको लगता है? प्लीज, जहाँ तक रिजर्वेशन की बात हो रही है, मुझे लगता है कि इसने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि हर कोई बोले कि मुझे भी आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, दैट्स रॉन्ग। रिजर्वेशन इज अ गुड थिंग। प्रणाली में आरक्षण जरूरी है, होना चाहिए, और जितना है वो सही है या गलत है? आवश्यक है, बट हर जगह एक लिमिट होती है। अच्छा, अगर बताइए देश का शिक्षा मंत्री आपको बना दी जाए, 70 साल बाद आपको हम ये मौका देते हैं, तो आप शिक्षा प्रणाली को कहाँ पर लेकर जाएंगे? एज अ स्टूडेंट हर किसी, सबसे पहली बात, सबसे पहला काम जो करूँगी, मैं ऑब्वियसली रिजर्वेशन कम करूंगा, डेफिनेटली विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट मैं रिजर्वेशन कम करूंगा। आप बताइए। एजुकेशन रिफॉर्म्स काफी लाने पड़ेंगे, रिजर्वेशन इमीडिएटली तो कम नहीं हो सकता। कुर्सी वहां से छीन के इधर दे दें सर, एजुकेशन मिनिस्टर की दे दो। चलिए आपको दी, आप बताइए। ठीक है, पहला है कि अभी हमारे देश में रूट एजुकेशन बहुत ही अच्छी नहीं है। हम दिल्ली में रहे हैं, हमें अच्छे घर से हैं, तो हमें मतलब अच्छी एजुकेशन मिली है, बट दूसरे जगह पे जाओ उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है। रिमोट एरियाज पे रूट एजुकेशन बहुत बेकार है। प्लस हमारे जो तरीके हैं वो मतलब खुद ही प्रमोट करते हैं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करो या फिर ऐसी चीज़ों में जाओ, जबकि हमारे स्कूल में ही ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, हमारे टीचर्स ऐसे ही होने चाहिए कि जो हमें प्रॉपर एक पाथ दिखाएं। प्लस इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा उतना, सारे जो जॉब्स होती हैं हमारी बाहरी कंट्रीज आती है, अब देश जॉब नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न सबसे बड़ा वही है। बिल्कुल सही, तो सबसे बड़ा मेन रीज़न है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि अभी इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट तो किया, इंप्लीमेंटेशन का मैं कह नहीं सकता, और अनएम्प्लॉयड उससे बड़े एंटरप्रेन्योरशिप आएगी जब तक नहीं, क्योंकि चार होते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से, लैंड कैपिटल होता है, वो सब कुछ तो है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं इंडिया में, तो अगर बिजनेस ही इंडिया में स्टार्ट नहीं होगा तो मेरे हिसाब से उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए। मोदी सरकार के आने के बाद काफी चीजें बदली, आपको उम्मीद है उनसे? थोड़ी उम्मीद तो है, बट अभी तक कुछ मुझे ऑन द ग्राउंड दिखा नहीं, शायद लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगी, दिखेगा, बट ठीक है। दो चीज़ें जो आप लोगों ने मुझे बताई, पहली बात तो ये कि शिक्षा प्रणाली में देश आज़ाद नहीं है, अभी भी हम गुलामों की तरह ही शिक्षा ले रहे हैं, दैट इज़ व्हाट यू वांट टू से। दूसरी चीज़ ये कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जो कि दूर होनी चाहिए। आप लोग को जाना है लेकिन उससे पहले चिड़िया तो उड़ानी पड़ेगी, चिड़िया उड़ खेलते आइए एक बार। खेला है पहले बताओ, बचपन में खेला है? हाँ, तो जो हार जाता था वो क्या करता था?
हार जाता था, पिटाई होती थी बेचारे की। अहिंसावादी है हम लोग, मारते नहीं थे। आप मारेंगे नहीं, नहीं मारते। ठीक है चलिए आइए। अच्छा ठीक है, फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। आइए आइए, पहले बताओ। नहीं ऐसा नहीं होता है। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, आजादी उड़, उड़ रही है आजादी। आपने कहा उड़ गई। आजादी का कोई गाना याद है? एक गा दिया जाए। सिंगर तो ये रहा। सिंगर ये रहे। आप सिंगर भी हैं। आइडल। आइडल नहीं मतलब आजादी गाना या बताना कोई। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू सो मच। दो चीजें, देश अभी भी गुलाम है, पहला एजुकेशन सिस्टम और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। दो और लेडीज मेरे साथ हैं। हाउ आर यू, कहाँ से आए हैं? नोएडा से। नोएडा से आप? माँ बेटी दोनों हैं। शॉपिंग करने आए हैं? बस थोड़ा बहुत घूमने फिरने आए हैं। थोड़ा बहुत हाँ? अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आपसे शुरू करूँगी, आपको लगता है देश आज़ाद है? 70 साल हो गए आज़ादी को, लग रहा है देश आज़ाद है? हाँ बहुत मायने में आज़ाद तो हुआ है, देश तो आज़ाद है, लेकिन हम अपनी मानसिकता में आज़ाद नहीं, अभी भी गुलाम है। हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, जहाँ पर ये है कि वहाँ पर हमें शो होता है कि आज़ाद हैं। कहाँ कहाँ गरीबी कहाँ नज़र आती है, कहाँ पर आपको गुलामी नज़र आती है? मुझे तो अपनी मानसिकता में ही नजर आती है, हम अपने विचारों में के ही गुलाम हैं। अगर अगर हम अपनी ही विचारों से आजाद हो जाएंगे तो हम सही मायने में ही आजाद हो जाएंगे। और वो कौन सा ऐसा विचार है जो कि आपको लगता है, या फिर आप जब जाती हैं बाहर जाती हैं, एक औरत स्पेशली अगर वुमेन की बात करें, जब आप जाते हैं तो कहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि हम गुलाम देश में थे? क्योंकि हम मेट्रो सिटी हो या छोटा सिटी हो, कोई भी शहर हो या गांव हो, जब लड़कियां निकलती हैं तो लोगों ने घूरते हैं उस मानसिकता से, नहीं कि आज़ादी चाहिए। हाँ आप बताइए। बीइंग अ सिंगल वुमेन एंड आई एम वर्किंग नाउ, एक किसी तरह अगर जैसे अभी इन्होंने बोला था कि पढ़ाई पे अब एक है कि हमें आरक्षण है और ये सब है, किसी तरह अगर लड़की अगर उसको क्रॉस करके आगे निकल भी जाए, शी स्टार्ट्स वर्किंग, तो वहाँ पे भी बहुत तरीके से रोक टोक होती है। एक तरह लगता है कि गुलाम है, चाहे वही जो आपकी मम्मी बता रही है कि सोच गुलाम टची टॉपिक है ये, तो कहीं भी जाते हैं तो एक एक एज के बाद होता है कि बेटी को इतना पढ़ा क्यों रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे शादी ही तो करनी है। मोदी जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको लग रहा है कि उससे कुछ बदलाव आया देश? उससे थोड़ा बहुत बदलाव तो आ रहा है, बट हम लोग जैसा मम्मी ने बोला कि अपनी ही सोच में अटके हुए हैं। बहुत जरूरी है, उस सोच को बदलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यानी कि आज़ादी से अभी चिड़िया उड़ नहीं रही है? नहीं नहीं अभी पूरी तरह नहीं उड़ रही है, नहीं। जब तक हम अपनी ही सोच में घिरे रहेंगे तब तक नहीं उड़ेगी। हाँ थैंक यू जी। आइए, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। चिड़िया आज़ादी से उड़ती नजर आई कहीं 70 साल बाद भी? नहीं मैम, बट मैम जब तक हम मेंटेलिटी चेंज नहीं करेंगे हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता। अभी अभी एक महिला यहाँ पर बता के गई कि महिलाओं को लेकर सोच नहीं बदली है। यस मैम, बेटियों को लेकर मैम, चाहे गवर्नमेंट कितनी पॉलिसीज लिया है, गवर्नमेंट कितने भी इनिशिएटिव लिया है, जब तक पीपल अपनी मेंटेलिटी चेंज नहीं करेंगे देश डेवलपमेंट पे ट्रैक पे नहीं जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज करा स्वच्छ भारत अभियान, बट पीपल क्या करते हैं, मैं सीपी में आता हूँ डेली आता हूँ, खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। तो जब तक पीपल अपनी सोच नहीं चेंज करेंगे देश कैसे डेवलप हो सकता है। लेकिन हमने एक और चीज़ देखी है कि गांव में जो स्वच्छ भारत का नारा है वो मुझे, मैं व्हाट आई पर्सनली फील इज कि गांव के लोग ज़्यादा स्वच्छ रहते हैं, जो शहर में आ जाते हैं ना वो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है, हालांकि हर जगह कूड़ेदान लगाए गए हैं, स्वच्छता के नारे दिए गए हैं, कैंपेन्स चलते हैं, लेकिन फिर भी दैट्स व्हाई एवरी टाइम वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट ना, फर्स्टली वी कैन चेंज ऑन आवरसेल्फ देन। आइए आपसे बात कर सकती हूँ मैं, इन्होंने स्वच्छ भारत का नारा दिया, क्या देश आज़ाद है? आइए आगे आइए आगे आइए। आपको कहीं आपको क्या चीज़ ऐसी लगती है कि जिससे आप आज़ादी पाना चाहती हैं 70 साल? जो आजकल लेडीज हैं उनको सुरक्षा तो अभी भी नहीं है, ये आए दिन रेप होते हैं, ये सब किस्से हैं, जो लड़कियों के सेफ्टी तो है नहीं। हाँ। उसकी जरूरत है, थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए देश। हाँ। महिला को अपने लिए सुरक्षा चाहिए और अपने लिए आज़ादी चाहिए। वन मोर थिंग, हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन का लॉन्च किया था, बट राइट टू एजुकेशन का मोटिव क्या था? पुअर चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना, बट आजकल स्कूल्स इतनी हाई फीस कर रखे हैं, ईडब्ल्यूएस हुआ था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन,
बट कोई भी स्कूल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को प्रोवाइड ही नहीं करा रहा है, उनको प्रमोट नहीं कर, प्रमोट ही नहीं कर रहा है। फिल्म आई थी हिंदी मीडियम, देखी थी आपने? या उसमें सही चीज दिखाई है? बिल्कुल 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 सही चीज दिखाई है, ऐसा होता है। अरे आजकल एजुकेशन एजुकेशन नहीं अर्निंग वो बन चुका है, एक बिजनेस बन चुका है। आप लक्ष्मी नगर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इंस्टीट्यूट खोल चुके हैं, उनको बताया जाता है ये कोर्स कर लो, उनको सही डायरेक्शन नहीं दी जाती, डायरेक्शन नहीं दी जाती। और जो शिक्षण संस्थान है वो मोर ऑफ अर्निंग बिजनेस मोटिव बन चुके हैं। तो देश आज़ाद है या नहीं है, यही हमारा आज का सवाल है। हम लोग कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आज भी देश को आज़ाद होना ज़रूरी है? आपसे बात करना चाहूँगी। क्या, कहाँ से आए हैं पहले बताइए? गुजरात से। गुजरात से आए हैं आप? गुजरात से। दोनों गुजरात स्टूडेंट्स हैं दोनों? मैं एज अ कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे हेल्थ केयर में। आपको लगता है 70 साल बाद चिड़िया आज़ादी से उड़ रही है? चिड़िया आज़ादी से उड़ रही है 2-3 दिन के लिए, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी और ये 2 अक्टूबर। अच्छा, हाँ, सिर्फ 3 ही दिन, ऐसा आपको क्यों लगता है? अच्छा, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सारे लोग जो है ना, मतलब मेंटालिटी उनकी ये हो गई है कि इस दिन छुट्टियां ज़्यादा आ जाएगी, छुट्टियां आ जाएगी, मतलब मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि देश के लिए नहीं, खुद के लिए हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं होता क्योंकि इतनी मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि ये किस चीज़ की अवेयरनेस चाहिए। आपने कहा 3 दिन की बात की, अब इसमें क्या आप हमें बोल रहे हैं कि हम लोग इसका जिक्र सिर्फ 3 ही दिन करते हैं या आप अदरवाइज बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब अभी मतलब थिंकिंग ऐसा है ओवरऑल, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए किसी की पर्पस होता है, किसी भी चीज़ का। कौन सी, मैं लेट्स कम टू द पॉइंट, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे देश को आज़ाद होना चाहिए? एक मिनट मैडम, पहली बात तो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में ये है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बोला जाए तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2016, उसमें 118 कंट्री में 97th रैंक इंडिया की है। इसका मतलब भूखमरी तो है, भूखमरी है, उसका मतलब ये कि वो आर्थिक, हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता अभी भी मिली नहीं है। ठीक है, तो भूखमरी मतलब जो स्कीम गवर्नमेंट चला रही है ऊपर ऊपर से तो है, पर जो ग्राउंड लेवल पर जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हाँ, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब स्कीम जो मान लो 10 स्कीम चला रहे हैं तो उसमें कोई मेजर स्कीम होगी वो प्रधानमंत्री, हमारे ऑनर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो चलिए। बहुत सारी समस्या, बहुत सारे मुद्दे, यानी देश आज़ाद हुआ लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। 70 साल की आज़ादी आप भी मनाइए, हम भी मना रहे हैं, चिड़िया को फिलहाल उड़ना है, लेकिन सभी ने मुझे बोला कि अभी भी चिड़िया आज़ादी से उड़ नहीं पा रही है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले हफ्ते।